हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज के क्लास में ये करेंगे। दिस इज़ आवर क्लास फोर्थ। जैसा कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, इस वीडियो में भी बताएंगे कि आपको यूट्यूब चैनल पर कुछ ही वीडियोज़ मिल पाएंगे। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो फिर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो नंबर डिस्प्लेड है उन नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके बातें कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आप जैसे ही मैसेज करोगे आपको एड्रेस लोकेशन वगैरह सारा कुछ सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप हमारा वेबसाइट से भी लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो या फिर पेन ड्राइव मोड में भी क्लासेस ले जा सकते हो, आपकी मर्जी। तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास नंबर फोर्थ। क्लास फोर्थ में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। आज से पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म जो पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का पढ़ा था। अब करने जा रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। तो देखो जरा इसका फॉर्मेट किस टाइप का रहेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स, इसका जनरल इक्वेशन होता है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये है हमारा जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स फॉर्म इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि एक्स भी है और वाई भी है। एक्स का भी स्क्वायर दिख रहा है, वाई का भी स्क्वायर दिख रहा है और एक्स वाई वाला भी टर्म दिख रहा है। तो ये किस में क्वाड्रेटिक है, हम कंफ्यूज हो गए कि एक्स में है या फिर वाई में है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों में है, यानी दोनों में ही ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो दोनों का स्क्वायर है, इसलिए हम इसको कहेंगे जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, फिर मेन टॉपिक पे आएंगे। अगर मैंने आपको तीन चार एग्जाम्पल दिए हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और याद रहे इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज आपको लेने से मना किया जा रहा है, वो है ओरिजिन। ओरिजिन हम नहीं लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है, चार पांच एग्जाम्पल मुझे लिखने पड़ेंगे फिर समझाएंगे कि इन सब में क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन नेक्स्ट इज माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एंड द लास्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर मुझे जीरो जीरो लेने को मना किया गया है तो यहाँ पे तो हम जीरो जीरो कभी पुट कर ही नहीं सकते, तो ये कभी जीरो आएगा ही नहीं। और चाहे अब आप एक्स की जगह नेगेटिव डालो या फिर वाई की जगह नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होल स्क्वायर है तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो एक बात तो क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव डेफिनेट है। ये क्या है बताओ, पॉजिटिव डेफिनेट। क्या है ये पॉजिटिव डेफिनेट? डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता और कभी जीरो हो नहीं सकता। इसमें क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर होने की वजह से ये ग्रेटर देन जीरो तो होगा, लेकिन ये जो प्लस आ गया, सपोज करो कभी वन ले लिया और कभी माइनस वन ले लिया, तब तो जीरो आ सकता है ना, तो यहाँ पे इज इक्वल टू भी लग गया। लेकिन होल स्क्वायर है तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, होल स्क्वायर है तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे पॉजिटिव तो है ये, लेकिन एक जीरो आने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसलिए वर्ड लग जाएगा सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अब इधर आ जाओ, अगर आप इसको प्रॉपरली लिखोगे तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर में माइनस लग गया तो अब ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं नेगेटिव डेफिनेट। क्या लिख सकते हैं बताओ? नेगेटिव डेफिनेट। इधर देखो, ये हो सकता है होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है, क्योंकि अंदर में वही वन और माइनस वन ले लो तो जीरो हो जाएगा, और नेगेटिव लगे होने की वजह से ये लेस देन इक्वल टू जीरो भी चलेगा, यानी नेगेटिव के साथ क्या वर्ड लग जाएगा? नेगेटिव सेमी डेफिनेट। और लास्ट में अगर x बड़ा हो गया, जैसे x की जगह पे टू ले लिया और y की जगह पे वन ले लिया, तब तो चलो पॉजिटिव आ गया, लेकिन कभी x की जगह वन ले लिया और y की जगह टू ले लिया तो नेगेटिव भी आ सकता है, कभी दोनों सेम ले लिया तो जीरो भी आ सकता है, यानी ये कुछ भी आ सकता है। इसका कोई डेफिनेट रूप नहीं है कि ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या फिर जीरो आएगा। तो हम इसको कहते हैं इनडेफिनेट। क्या कहते हैं बताओ? इनडेफिनेट। तो मुझे यही पांच टर्म समझाने थे, तो आज के क्लास में इन्हीं पांचों टर्म पे हमें डिस्कशन करना है। कौन कौन सा टर्म हम लोगों ने सीखा? पॉजिटिव डेफिनेट वर्ड जाना, फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट वर्ड जाना, फिर नेगेटिव डेफिनेट वर्ड जाना जो प्योरली नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव होने की कोई गुंजाइश ही ना हो, जीरो भी नहीं, लेकिन अगर जीरो भी साथ में आ गया तो वो बन गया सेमी, और अगर कुछ नहीं पता है तब वो बन गया हमारा इनडेफिनेट। तो ये टोटल फाइव वर्ड्स हैं, ये हमें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है, क्योंकि इन पे बेस्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। तो अब हर क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा ना, हर क्वेश्चन इतना इजी तो होगा नहीं कि देखते ही हम लोग डिसाइड कर लें कि वो डेफिनेट है या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है या क्या है। तो कुछ क्वेश्चन में हमें कुछ लॉजिक्स भी लगाने पड़ेंगे, तो वो अब लॉजिक्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो डिटरमिनेंट क्राइटेरिया हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है बताओ? डिटरमिनेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। जस्ट अ मिनट, एक स्ट्रेट लाइन मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है? तो डिटरमिनेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो पहला डिटरमिनेंट क्राइटेरिया क्या है, जरा उस पर एक नज़र डाला जाए। तो पहला है केस वन, किसके लिए? पॉजिटिव डेफिनेट के लिए। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए तो देखना जरा, पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या है कि ए होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, बी होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, और साथ ही साथ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। और ए बी सी क्या है ये तो आपको याद ही है, नहीं याद है तो चलो याद दिला दे, व्हाट आर ए बी सी? तो ए इज, ये तो प्रॉफिट फंक्शन पे पहुंच गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, टू बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एंड सी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो इस ए बी सी को ध्यान में रखे ये कंडीशंस लिखे गए हैं। अब केस टू, ये कंडीशंस आपको लर्न होने चाहिए। पॉजिटिव डेफिनेट हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट के बाद हमें करना है पॉजिटिव पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। इसके लिए कंडीशन क्या है?
तो इसके लिए कंडीशन है कि ए सेमी डेफिनेट आ गया ना, तो इज इक्वल टू भी लग जाएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस कर लो, ये बी नहीं होकर के ये सी होगा, ठीक है। सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और साथ ही साथ ये जो है ए बी बी सी, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, लेकिन इज इक्वल टू जीरो भी चलेगा क्योंकि सेम ही वर्ड आ गया, केस थ्री। तो आप देख रहे हो कि सेम ही में बस क्या हो गया, तो इज इक्वल टू भी हर जगह ऐड हो गया है। केस थ्री में है नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट में है ए इज लेस देन जीरो, सी इज लेस देन जीरो, और साथ ही साथ ए बी बी सी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ये तो किसी भी हाल में डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज केस फोर, टोटल फाइव केसेस है ना, केस फोर में अब आ जाएगा नेगेटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। इसमें है, अच्छा नेगेटिव सेमी डेफिनेट में है कि ए लेस देन इक्वल टू जीरो, सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और साथ ही साथ ए बी बी सी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी चलेगा। और अब लास्ट केस पे आ रहे हैं, केस फिफ्थ, ये है इन डेफिनेट। इनडेफिनिट में हमें करना है सिर्फ एक ही चीज, वो कौन सी चीज, तो ए बी बी सी अगर नेगेटिव आ गया बस काम खत्म, पॉजिटिव और जीरो अलाउड नहीं है क्योंकि उस पर तो फिर सेमी वर्ड लग जाता है। इनडेफिनिट के लिए अगर खाली यही है तो ये हमारा इनडेफिनिट हो गया। तो चलो अब इनके ऊपर बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जाम्पल वन, इसमें है 4x² प्लस 8xy प्लस 5y², इसका हमें चेक करना है। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस 2bxy प्लस cy² वी गेट, क्या हमें मिल रहा है, a इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 8 विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5। नाउ डिटर्मिनेंट कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, a b b c, तो ए क्या आ जाएगा बताओ, 4, बी आ जाएगा 4, सी हो गया 5, 5 4 20 माइनस 16 कितना आ गया 4, जो कि ग्रेटर देन 0 है, इज इक्वल टू 0 नहीं आए याद रखना। और साथ ही साथ ए भी है हमारा 4 जो कि ग्रेटर देन 0, सी भी है 5 जो कि है ग्रेटर देन 0, तो ये कौन सा केस हो गया बताओ, ये आ गया हमारा पॉजिटिव डेफिनेट। क्या आ गया ये, पॉजिटिव डेफिनेट, क्लियर। तो चलो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं हम लोग। सिक्स एक्स वाई माइनस 9y² माइनस x², पता है इस क्वेश्चन में क्या कर दिया इन लोगों ने, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया टर्म्स को ताकि आप इस वो चेक करना चाहते हैं कि आपको पता है या नहीं कि कैसे अरेंज करना है। तो अरेंजिंग इन प्रॉपर फॉर्म, पहले x² लिख दिया, 6y माइनस 9y², एंड फिर से वही बातें लिखेंगे, एंड कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हर जगह लिखना है। जितना प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। एंड कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा, ax² प्लस 2bxy प्लस cy²
वी गेट, हमें क्या क्या मिल रहा है? ए इज इक्वल टू माइनस वन, टू बी इज इक्वल टू सिक्स विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू थ्री एंड सी इज इक्वल टू माइनस नाइन. नाउ सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट चेक करते हैं ना, ए बी बी सी. तो ए है माइनस वन, बी है थ्री थ्री, सी है माइनस नाइन. तो नाइन माइनस नाइन आ गया ज़ीरो. अच्छा ज़ीरो आ गया तो होल्ड करो, इतनी जल्दी डिसीजन मत ले लो कि इनडेफिनिट हो जाएगा. ज़ीरो आ गया तो सेमी का तो अभी ऑप्शन खुला हुआ है ना, तो ज़रा एक बार चेक कर लें कि ए था हमारा माइनस वन जो कि नेगेटिव, सी था माइनस नाइन जो कि नेगेटिव. तो एक चीज़ और यहाँ पे हम बताएंगे, पहले लिख लेते हैं कि ये क्या आ गया. ये आ गया नेगेटिव तो आ गया, लेकिन ये ज़ीरो होने की वजह से लिख देंगे नेगेटिव सेमी डेफिनेट. ठीक है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट. क्लियर? अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम क्या ये कोइंसिडेंस है कि हर बार इन दोनों का साइन जो है वो सेम आता है. देखो जरा, यहाँ भी जब एक पॉजिटिव आया था तो दूसरा भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया. अब एक बार जरा समझो, अगर दोनों का साइन सेम नहीं आता है तो आपने इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया है, ए और सी को, अगर ए और सी सेम साइन के नहीं होंगे तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा और बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा. तो पूरे डिटर्मिनेंट को पॉजिटिव होने के लिए कम से कम एक गारंटी तो हमें लेना पड़ेगा कि ए सी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो जैसे ही डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाता है, वो आपके दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि ये तो होगा ही होगा कि ए और सी दोनों क्या होंगे, सेम साइन के. वही सेम बात यहाँ भी है, जैसे ही आप ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, क्योंकि ए सी माइनस बी स्क्वायर. अब ए सी अगर पॉजिटिव है तभी तो कोई होप है ना पॉजिटिव या ज़ीरो होने का. अगर ये नेगेटिव हो गया तब तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मिलके कितने हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव मिल गए तो इनडेफिनिट हो जाएगा. तो दोनों सेम साइन के होंगे ही होंगे, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, यानी दोनों का अलग अलग साइन आने का कभी पॉसिबिलिटी है नहीं. अगर होगा तो वो हो जाएगा इनडेफिनिट. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फॉर्म. क्वाड्रेटिक फॉर्म विथ लीनियर कंस्ट्रेंट्स, विथ लीनियर कंस्ट्रेंट्स. क्वाड्रेटिक फॉर्म विथ लीनियर कंस्ट्रेंट्स, तो देखना जरा इसमें, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म को Q से रिप्रेजेंट करें, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग क्वेश्चन, ये Q क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए यूज किया गया है. अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर है सब्जेक्ट टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि Q अगर ज़ीरो हो गया तो आप खुद ही सोचो ना, ये बस पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इट विल हैव नथिंग मीनिंग, x भी ज़ीरो p भी ज़ीरो. सो फॉर अ लीनियर कंस्टेंट टू बी डिफाइंड बोथ मस्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो Q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा इसके लिए कंडीशन हमें डिराइव करना है कि ये कब होगा. और जो कंडीशन डिराइव करने जा रहे हैं ना, उस डेरिवेशन को भी आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो. नहीं समझे तो जरा, क्वेश्चन अगर इसी टाइप का हुआ तो आप उसमें कर सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग लीनियर कंस्टेंट इन क्यू एक्सप्रेशन. हमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, माइनस पी एक्स बाई क्यू. तो यहाँ डाल देंगे माइनस पी एक्स बाई क्यू प्लस सी माइनस पी एक्स बाई क्यू का
ये क्या है, हाँ ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स माइनस पी एक्स अपॉन क्यू। तो अब इसको जरा अरेंज करके लिखो, तो ए एक्स स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा ना, माइनस टू बी पी बाई क्यू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सी पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो ये भी हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें अगर हम एलसीएम ले लें क्यू स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा, और सब में तो एक्स स्क्वायर है ना, सब में क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को भी क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, अब बचा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर तो खाली a बचा है, तो a के साथ क्या आ जाएगा, ए क्यू स्क्वायर। यहाँ पर एक ही q है, तो एक q आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर जा चुका है, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो हर जगह से। अब जो बचा हुआ उसी के साथ सिर्फ q मल्टीप्लाई होगा, तो 2b पी क्यू प्लस सी पी स्क्वायर। तो फिर से इसमें हम लोगों ने एक्स स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। तो अगर आप गौर से देखो तो ये है ए क्यू स्क्वायर माइनस टू बी पी क्यू प्लस सी पी स्क्वायर, ये पूरा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो ये क्या है बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका ए क्या है बताओ, ए, बी क्या है, टू बी, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो बी है माइनस बी, सी है सी। तो यहाँ पर जब इसका कंडीशन निकलेगा, और ये बाहर में जो है एक्स स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये तो हमेशा ही क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड होगा कैपिटल क्यू का, वो इसी येलो वाले एक्सप्रेशन से होगा। सो कैपिटल क्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज ए क्यू स्क्वायर माइनस टू बी पी क्यू प्लस सी पी स्क्वायर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब सारा बात आकर के सिर्फ एक छोटे से बाई क्वाड्रेटिक पे रुक गया, तो इसका हम लोग चेक करेंगे। तो ठीक है, एंड अगर आप गौर से देखोगे तो ए क्यू स्क्वायर माइनस टू बी पी क्यू, एक तो ये तरीका था कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हो डिटर्मिनेंट वगैरह निकाल करके, ए बी बी सी और फिर ए और सी से चेक कर सकते हो। दूसरा कंडीशन ये है, ए क्यू स्क्वायर माइनस टू बी पी क्यू प्लस सी क्यू सी पी स्क्वायर है, सी पी स्क्वायर को लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट के कंडीशन में, जीरो पी क्यू पी क्यू ए बी बी सी। यानी अब ये सारी बातें हो गई कि ये पॉजिटिव होगा जब ये भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे था जीरो पी क्यू, ये पूरी चीज किसके इक्वल हो गई बताओ, ये पूरी चीज जो है वो ये और ये बिल्कुल सेम है, सेम है। तो अब हम लोग एक नया कंडीशन डिराइव करने जा रहे हैं, सो क्यू इज पॉजिटिव डेफिनेट, और ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या है, बाहर में एक नेगेटिव साइन है, बाहर में क्या है, नेगेटिव साइन है। तो पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए डिटर्मिनेंट को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी जीरो पी क्यू पी
ओ ये क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। जीरो पी क्यू, जीरो पी क्यू ए बी बी सी का ऑपोजिट साइन होना चाहिए, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्यू हो गया हमारा क्या, बताओ। ठीक है, तो क्यू हुआ हमारा पॉजिटिव डेफिनेट। एंड इफ जीरो पी क्यू पी ए बी क्यू बी सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो बाहर में नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, देन क्यू इज नेगेटिव डेफिनेट, देन क्यू इज नेगेटिव डेफिनेट। अब इसका एक क्वेश्चन तो बनता है, क्वेश्चन तो हमें करना पड़ेगा, तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्यू से फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। एग्जाम्पल, एग्जामिन डेफिनेटनेस डेफिनेटनेस ऑफ 2x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू जीरो। तो यहां देखो, 2x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर कंपेयर्ड विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, ए इज इक्वल टू टू, टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर, तो बी इज इक्वल टू माइनस टू, सी इज इक्वल टू वन। ए इज इक्वल टू टू, टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर, सी इज इक्वल टू वन। एंड जो कंस्टेंट है उसको भी तो कंपेयर करना है, एंड कंपेयरिंग 3x प्लस 4y इज इक्वल टू जीरो विथ पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, वी गेट पी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। देन ये कंस्टेंट वाला है तो इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 0 पी क्यू ए बी बी सी, तो इधर क्या आ गया बताओ, जीरो। पी की जगह क्या डालेंगे, 3, और यहाँ पे 4, ये कैसा 4 बन गया यार, 4 3 4। ए कितना आ गया, 2, बी आ गया -2 -2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, तो देखना जरा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग करने का जरूरत ही नहीं है, हो गया 0, याद है ना, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस बनाते थे हम लोग, तो ये वाला रो, ये कोई लाइट कलर लेने दो, जब जीरो का देखेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इतना तो आता ही है फर्स्ट सेम करके आए हो तो। उसके बाद से फिर हम लोग बढ़ेंगे, -3 इंटू ये रो और ये कॉलम गया तो 3, और +8 11 +4 इंटू फिर दिस इंटू दिस, मतलब दिस माइनस दिस, तो -6 और -6 और -8 -14 आ गया, तो पूरा मिलाकर के कितना हो गया, 8 3 11 इलेवन थ्री जब -33 -56, ये कितना आ गया, -8 9, जो कि नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, उल्टा लिखते हैं ना, सो द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये कंडीशन नहीं याद है तो आप एक और काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो,
तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स बाई फोर इसमें अगर डाल दोगे तो भी ये खाली x में आ जाएगा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करना चाहो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये डिटर्मिनेंट वाला क्राइटेरिया करो, नहीं आता तो आप उससे भी करो, मार्क्स तो दोनों में ही मिलने हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 15। चैप्टर 15 के अब टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं, अब आपको मिलेंगे चैप्टर 15 के असाइनमेंट के क्वेश्चंस। असाइनमेंट मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया, असाइनमेंट में मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चूज़ करके डाले हुए हैं। जो बच्चे पूरा हैमंड बुक नहीं करना चाहते वो खाली असाइनमेंट कर ले, वो भी एनएफ है, और जो बच्चे पूरा बुक करना चाहते हैं उनको पूरे बुक का भी सॉल्यूशन मिलेगा और हम मेरे असाइनमेंट का भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं असाइनमेंट के हिंट्स एंड सॉल्यूशन के साथ।